हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ पोनीटेल हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट हेयर स्टाइल है जिसमें थोड़े थोड़े बालों का सेक्शन आपको ऊपर से लेना है और एकदम पतला सा सेक्शन लेना है। इसको पतला वाला रबड़ लेके और टाई करना है, इस तरीके से रबड़ को लगा लेना है। मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा लेयर्स में कटे हुए हैं, अगर आपका स्ट्रेट हेयर होगा तो और भी प्यारा दिखेगा ये हेयर स्टाइल। इसके बाद से आपको रबड़ लगाने के बाद थोड़ा सा लूज करना है इस सेक्शन को और टू फिंगर इसमें से इंसर्ट करना है और इसको ट्विस्ट कर देना है। ट्विस्ट करने के बाद से फिर से नीचे की तरफ से हेयर को लेना है, सारे हेयर्स को इस फिंगर के अंदर पकड़ना है और इस पोनी के अंदर से निकाल लेना है। और ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया। नीचे से रबड़ बैंड को टाइट कर देना थोड़ा सा, और आपके स्ट्रेट हेयर होंगे तो काफ़ी प्यारा लगेगा। अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल हो तो ये पोनीटेल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। आप चाहो तो इधर साइड से लेयर्स भी निकाल सकते हो, जैसे कि मेरे फेस पे सूट करता है। अगर आपके फेस पे सूट ना करे तो आप मत निकालिएगा। तो सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। सेकेंड हेयर स्टाइल में हमको क्या करना है, सिंपली अपने बालों का ईयर टू ईयर सेक्शन लेना है। थोड़ा सा हेयर ज़्यादा हेयर ले लेना है अपने क्राउन एरिया तक, क्योंकि मेरे फ्रंट के हेयर काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हैं। और बैक से आपको बनानी है हाई पोनीटेल इस तरीके से। हाई पोनीटेल बना के अपने बालों को अच्छे से टाइट कर लेना है रबड़ रबड़ बैंड से। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से रबर बैंड को लगा लिया है। अभी जो आपके फ्रंट के हेयर हैं इनका पतला पतला सेक्शन लेना है एंड ट्विस्ट करना है। अच्छे से ट्विस्ट करना है और पोनीटेल के पास ले जाके क्लिप लगा देंगे। बाद में ये सारी क्लिप्स रिमूव कर देंगे ताकि आपका हेयर स्टाइल अच्छा दिखे, बट अभी एक बार होल्ड करने के लिए इन ट्विस्टिंग हेयर्स को क्लिप लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, तो जितना भी यहाँ पे ईयर टू ईयर पार्टिंग के हेयर बचे हुए हैं सब में सबको ट्विस्ट करना है और क्लिप लगा देना है। ओके, इस तरीके से ट्विस्टिंग करते जाइए और पूरे बालों में क्लिप लगा दीजिए। तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से ट्विस्टिंग कर लेनी है। अगर मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और हेयर स्टाइल भी अच्छे से समझ में आ रही होगी आप लोग को। तो इसी तरीके से सारे बालों की ट्विस्टिंग की है यहाँ पे मैंने। ओके, काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला। पोनी को आप थोड़ा और हाई पे रखिएगा, मैंने यहाँ पे मीडियम पे रखा हुआ है। उसके बाद से जो ट्विस्टिंग किए हुए हेयर बचे हुए हैं एक्स्ट्रा, उनको इस तरीके से अपने पोनी के चारों तरफ लपेट देना है और एक यू पिन से सेट कर लेना है यहाँ पे। और उसके बाद से जो हम एक्स्ट्रा हेयर हैं जो भी बच गए हैं उसको दोबारा से आप पोनी के चारों तरफ लपेट लीजिएगा और सारे क्लिप्स को रिमूव कर दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे क्लिप्स मैं रिमूव कर ले रही हूँ ताकि हमारा पोनी जो है वो क्लीन दिखे और अच्छा लगे लुक। तो ये हमारा सेकंड हेयर स्टाइल हो गया। वाओ, चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। मुझे ये वाला बहुत प्यारा लगा हेयर स्टाइल। आपको कैसा लगा, कौन सा हेयर स्टाइल सबसे अच्छा लगा, इजी लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारा सेकंड हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। तो तीसरे हेयर स्टाइल को हम कुछ इस तरीके से करेंगे। साइड पार्टीशन लेंगे, तो इस तरीके से साइड पार्टीशन ले लिया है मैंने बालों का और साइड से थोड़े थोड़े लेयर्स निकाल लिए हैं। देन पीछे के बालों को अच्छे से पकड़ लेंगे। मेरे पीछे से बाल थोड़े से रफ हो रहे हैं, मैं बहुत जल्दी कट करूँगी और वीडियो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन लेना है हेयर का, देन इस तरीके से ट्विस्ट करना है और पोनी के चारों तरफ लपेट देना है। इसी से हम लोग पोनी बनाएंगे यहाँ पे, और काफ़ी स्टाइलिश लगता है ये पोनी और अच्छा भी दिखता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ा नीचे तक इस तरीके से लपेटेंगे पोनी को और एक पतला वाला रबड़ बैंड लेंगे और यहाँ पे रबड़ लगा देंगे।
रबड़ बैंड को हाइड कर देंगे ट्विस्टिंग हेयर से। और ये देखिए क्या कितना प्यारा सा लग रहा है, और बहुत इजी है, इसको आप आगे भी रख सकते हो, बैक में भी रख सकते हो पोनी को। तो चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। चलते हैं चौथे हेयर स्टाइल की तरफ। तो फोर्थ हेयर स्टाइल में हमको इस तरीके से साइड से पार्टीशन लेनी है, और दोनों साइड से ईयर टू ईयर पार्टिंग ले लेंगे। थोड़ा थोड़ा बालों का सेक्शन फ्रंट में रखेंगे, बाकी सारे बालों को हाई पोनीटेल बना लेंगे। तो इस तरीके से मैंने पूरा हाई में हेयर को पकड़ा है, और ऊंचा आप बना सकते हो तो बना लीजिएगा, आपकी चॉइस है वो, आपको कितना ऊंचा रखना है पोनी को। उसके बाद से आपको इस साइड से थोड़ा थोड़ा ऊपर से हेयर को खींच लेना है, ताकि थोड़ा पफ का लुक आ जाए। इस साइड के हेयर को सिंपली इस तरीके से कॉम करना है, और ईयर के पीछे ले जाके एक टिक टेक क्लिप से सेट कर देंगे। अब इधर के जो हेयर हमारे बचे हुए हैं, उनको पतला पतला सेक्शन लेंगे, जो मैंने सेकंड हेयर स्टाइल में बताया था, बट इसको थोड़ा पतला लेना है, ज़्यादा चौड़ा चौड़ा सेक्शन नहीं लेना है। तो इसको लेके ट्विस्ट करेंगे, चार लेयर्स यहाँ पे हम लोग ट्विस्ट करेंगे, फोर लेयर्स को ट्विस्ट करेंगे, एंड इस तरीके से टिक टेक क्लिप से होल्ड कर लेंगे। बाद में हमको यहाँ पे भी टिक टेक क्लिप को एकदम रिमूव कर देना है, जैसे मैंने सेकंड हेयर स्टाइल में बताया था, सेम टू सेम वैसे ही करना है यहाँ पे भी हमको। तो इस तरीके से ट्विस्ट कर लिया है, और चारों लेयर्स को पकड़ के पोनी टेल के चारों तरफ लपेटेंगे, और जुड़ा पिन से टक कर देंगे, और जो हमारा पोनी का रबड़ बैंड है उसको हाइड कर लेंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी प्यारा लगता है हेयर स्टाइल, वाओ। तो ये हमारा चौथा हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको सारे हेयर स्टाइल पसंद आ रहे हों, और बहुत ही इजी है, स्टाइलिश हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा हेयर स्टाइल लगा। तो चलते हैं हम पांचवे हेयर स्टाइल की तरफ। अभी पांचवा हेयर स्टाइल भी हमारा बहुत सिंपल सा इजी सा है। उसके लिए आपको सिंपली अपना क्राउन एरिया से हेयर को उठाना है, देन पफ बना लेना है, जिसका छोटा माथा है, राउंड फेस है, चौकोर फेस है, उनके ऊपर पफ काफ़ी अच्छा दिखेगा, छोटा फेस है उनके ऊपर भी बहुत अच्छा दिखेगा। लॉन्ग फेस वाले ये हेयर स्टाइल स्किप कर सकते हैं, क्योंकि पफ बनाने से उनका फेस और ज़्यादा लंबा दिख सकता है। तो इस तरीके से आप सारे हेयर्स को हाई पोनीटेल बना सकते हैं, बनाना है। रबर बैंड से थोड़ा सा बालों का सेक्शन लेंगे, और देन अगेन रबर बैंड को हाइड करेंगे, यहाँ पे रबर बैंड के चारों तरफ लपेट देंगे। जब आप इस तरीके से पोनीटेल बनाते हो तो ब्लैक रबड़ बैंड का ही यूज़ कीजिए, उससे क्या होता है कि आपका जो अगर कहीं से दिखता भी रहे तो वो पता नहीं चलता है, और लुक अच्छा आ जाता है। और एक यू पिन से इसको सेट कर लेंगे।